हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव, स्वागत है आपका चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम आपको लेके जा रहे हैं भोलेनाथ के तीन बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जिनमें से सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, जहाँ पे केदारनाथ और मदमहेश्वर, जो कि पंच केदारों में से दो केदार हैं, उनकी विंटर सीट, यानी कि जहाँ प्रभु सर्दियों में बिठाए जाते हैं उस गद्दी पे। और उसके बाद हम चलेंगे गुप्त काशी और वहां आपको दिखाएंगे अर्धनारेश्वर और विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ट्रिप की शुरुआत हमेशा की तरह देर रात दिल्ली से हुई, और जैसे ही हम लोगों ने सुबह सुबह ऋषिकेश को क्रॉस किया तो बहुत ही सुंदर नजारों ने हमारा स्वागत किया। दिल्ली से ऊखी मठ तक का टोटल डिस्टेंस करीब 500 किलोमीटर का है, और इसको कवर करने में आपको 10 घंटे आराम से लग जाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो है संगम होता है, और यहां ये दोनों नदियां मिलकर आगे गंगा नदी बनाती हैं। तो चलिए आपको वहां के ड्रोन शॉट्स भी दिखाते हैं, बेहद ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा। अगर हम रोड मैप की बात करें तो दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग के बाद श्रीनगर रुद्रप्रयाग होकर आप लोग ऊखी मठ पहुंचेंगे। आप लोग अपनी जर्नी इस तरह प्लान कीजिए कि जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो आप लोग मॉर्निंग आरती अटेंड कर पाए इस पॉइंट पर, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जी का संगम होता है। नीचे वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे काफी अच्छी आरती होती है, वो आप लोगों को डेफिनेटली अटेंड करनी चाहिए। यहाँ पर इन दोनों रिवर्स का बहुत ही खूबसूरत संगम होता है, जैसा की आप देख सकते हैं, और यहाँ से आगे ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा बनाती है। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जो हम आपको पहले भी काफी बार बता चुके हैं। प्रयाग का मतलब होता है नदियों का संगम, जो कि है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रयाग पे किस किस नदी का संगम होता है। सबसे पहले अलकनंदा नदी में संगम होता है धौली गंगा का, और ये बनाते हैं विष्णु प्रयाग। फिर आगे संगम होता है अलकनंदा में ही नंदाकिनी जी का, और बनता है नंद प्रयाग। इसके बाद पिंडार गंगा जहां मिलती है वहां बनता है कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा जी का संगम जहां बनता है वो है रुद्र प्रयाग, और फाइनली अब जहां हम खड़े हैं वो है भागीरथी और अलकनंदा जी का संगम, और बनाता है देव प्रयाग। तो देखिए कितना पावन है ये पूरे पांचों पॉइंट। आप लोग उत्तराखंड जब आए तो अपनी इस पूरी जर्नी पे जरूर इन पॉइंट्स को कवर कीजिए। तो फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं श्रीनगर को, और आपको जानकारी दे दें कि इंडिया में भी दो श्रीनगर हैं, एक श्रीनगर जो कश्मीर वाला है, और ये जो श्रीनगर है ये है उत्तराखंड में। श्रीनगर में आपको खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप अपना ब्रेकफास्ट यहाँ प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रास्ते की, तो जो ऋषिकेश वाला रास्ता है वो 4 बजे तक आपका बंद रहेगा। ऋषिकेश से जो श्रीनगर वाला रास्ता है उसे मॉर्निंग सुबह 4 बजे तक बंद रखते हैं, और उसके बाद ही ट्रैफिक का आवागमन पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज आपको वो बाईपास करना है तो आप टिहरी वाले रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन आपको वो जो रास्ता है वो बहुत बड़ा पड़ेगा, इसलिए आप अपनी जो ट्रिप है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं दिल्ली से। रात को करीब 11 बजे दिल्ली से निकले थे और हम 3:30 बजे के आसपास ऋषिकेश पहुंच गए थे, तो हमें बस आधे घंटे ही वहां पर वेट करना पड़ा, और उसके बाद हमने अपना सफर आगे श्रीनगर के लिए जारी कर दिया था। तो अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कि आप लोग कैसे यहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाय एयर, तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वहां से अगर आप लोग काफी ज्यादा ओल्ड हैं और फिर भी आगे एयर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा यहाँ से केदारनाथ गुप्त काशी तक के लिए। वहाँ से आप अपनी बेसिक्स की 1-2 घंटे की रोड जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाय ट्रेन की, तो आपको हरिद्वार उतरना पड़ेगा और उसके बाद बाय रोड ये जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जो हम आपको बताएंगे अगले ऑप्शन में, जो कि है बाय रोड
जिसमें अगर आप लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट सर्विस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप लोग पहले ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऋषिकेश से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएंगी ऊखी मठ के लिए, या फिर आप लोग शेयर्ड बोलेरो भी ले सकते हैं। इनफैक्ट ऋषिकेश में आपको स्कूटीज भी रेंट पे मिलती है, अगर आप लोग कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव के लिए तो आप लोग वो भी लेके जा सकते हैं। तो जो ये सामने वाला रास्ता है ये चला जाएगा केदारनाथ धाम को, और वाला रास्ता है ये चला जाएगा तुंगनाथ। अगर आप लोगों का ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है और आप लोगों के पास टाइम है तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसी रूट पर आगे केदारनाथ को, उसके अलावा तुंगनाथ को जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, चौपटा देखिए, देवरिया ताल देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं। इसके अलावा मध महेश्वर भी यहीं पर पड़ता है, तो आप इन सारे जगहों को डेफिनेटली कवर कीजिए। बहुत ही सुंदर महादेव की जगह है, स्थान है, पावन, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आपको बता दें कि जो सेम रास्ता है वो केदारनाथ धाम को भी जाता है और सेम रास्ता ही मध महेश्वर को जाता है, तो रास्ते में बहुत ज्यादा यात्री आए हुए हैं जिसकी वजह से जाम भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस रास्ते पर कितना ज्यादा रश हो रखा है। हालांकि पीछे जो साइन बोर्ड था रास्ता उखी मठ के लिए वहीं से जाता है, लेकिन उस रास्ते पर कुछ काम चल रहा है, रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए हमने केदारनाथ धाम वाला ही रास्ता लिया है और आगे काली मठ पड़ता है, वहां से फिर हम रास्ता ले लेंगे उखी मठ के लिए। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट की तो आप लोग पूरे साल यहाँ आ सकते हैं, बस पीक मानसून के मंथ्स अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आजकल वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो जब भी निकले वेदर को देख कर ही निकले। और जो ये सामने वाला रास्ता चला जाएगा केदारनाथ धाम को और ये वाला रास्ता चला जाएगा कालीमठ। तो अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं उखी मठ और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ का फेमस ओमकारेश्वर मंदिर। और ये रहा ओमकारेश्वर मंदिर का साइन बोर्ड, यहाँ से करीब 300 मीटर ऊपर है वहां पर। अगर आप लोग उखी मठ में स्टे प्लान कर रहे हैं तो मंदिर के आसपास आपको काफी सारा स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लोग वहां पे रुक सकते हैं। और ये है उखी मठ मंदिर का रास्ता जहां तक आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मध महेश्वर और केदारनाथ धाम की जो विंटर सीट है जो पड़ती है उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में, अभी हम आपको वहीं पर लेकर चल रहे हैं। तो चलिए अब आपको मंदिर अंदर से दिखाते हैं। चलिए अब मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इसी मंदिर के अंदर उषा जो कि वनसुर की बेटी थी उनका विवाह हुआ था अनिरुद्ध से, जो कि श्री कृष्ण भगवान के पोते थे। जी हाँ, ये भव्य जो सेरेमनी थी वो इसी मंदिर में हुई थी। ऐसा भी बोला जाता है कि उखी मठ का नाम पहले उषा मठ था, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि उषा जी की शादी हुई थी और बाद में यह नाम उखी मठ कहलाने लगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि मंदाता जो कि एक बहुत बड़े राजा थे
और प्रभु श्री राम के वंशज थे, उन्होंने यहाँ पर 12 साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने यहाँ पे ओम के रूप में उनको दर्शन दिए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर को ओमकारेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। इसी मंदिर में केदारनाथ भगवान जी और मद महेश्वर, जो कि पंच केदारों में से दो केदार हैं, उनको यहाँ पे सर्दियों में लाया जाता है और यहीं पे उन्हें रखा जाता है। जब वापस द्वार खुलते हैं तो काफी ग्रैंड फंक्शन होता है, जिसके बाद मूर्तियों को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे वापस ले जाया जाता है। अगर आप लोग किसी कारणवश ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी मान लीजिए, अगर उसके वजह से पंच केदारों के दर्शन नहीं कर पाते, तो आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर 5 शिवलिंग है, जिनको उन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है, और अगर आप उनके दर्शन कर लेते हैं तो आपके पंच केदार पूरे माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि मंदिर के ओपन टाइमिंग्स क्या हैं, तो सुबह मंदिर 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलता है, उसके बाद ही मंदिर फिर 2 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खुलता है। मंदिर में एंट्री की ऐसी कोई फीस नहीं है और आप आराम से यहाँ पे 1 घंटा लेकर चल सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम आपको लेके जा रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत मंदिर में। अगर आप लोग फर्स्ट डे के जर्नी के बाद टायर्ड हैं तो आप लोग उखीमठ में रेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग टायर्ड नहीं हैं तो आगे चलिए और गुप्त काशी, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है और आपको पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, वहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे हम आपको अगले मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस विश्व में 4 काशी हैं। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का है वो, उसके अलावा उत्तर काशी जहाँ पे हमने आपको आगे गंगोत्री जी के दर्शन करवाए थे, उसके बाद गुप्त काशी जहाँ हम आपको अब लेके जा रहे हैं, और एक और है गया काशी जो कि बिहार में है। अब बात कर लेते हैं कि इस जगह को गुप्त काशी क्यों कहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब पांडव कौरवों से युद्ध के बाद, जो उन्होंने इतने सारे वध किए थे इस युद्ध के अंदर, उनसे पश्चाताप के लिए महादेव को ढूंढ रहे थे, लेकिन महादेव उस समय यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और इतने वध करने की वजह से वो उनको माफी भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी जैसे उनको पता चला कि पांडव उनके करीब आ गए हैं, तो वो इसी जगह पर अंतर्ध्यान हो गए, जिसकी वजह से इस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। और यहीं से जो हम बात करते हैं कि पंच केदारों का जो उद्गम हुआ, वो इसी बात से हुआ कि जब यहाँ पे वो छुप गए तो उन्होंने बैल का रूप ले लिया, और फिर बैल के रूप में जहाँ जहाँ जिस जिस हिस्से में पांडवों को उनके दर्शन हुए, उसी के अनुसार केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव का उद्गम हुआ। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धनारीश्वर टेम्पल। यहाँ पर आपको हाफ पार्ट जो है वो पार्वती माता का दिखाई देखने को मिलता है, और हाफ पार्ट जो है वो शिव भगवान का देखने को मिलता है। तो चलिए आपको अंदर से भी दर्शन कराते हैं। तो हम लोगों ने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है, और आप लोगों को बता दें कि जो अर्धनारीश्वर और जो विश्वनाथ मंदिर है गुप्त काशी में, वो सेम ही परिसर में मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं इस जगह की महत्वता क्या है। ऐसा जय श्री केदार, जय काशी विश्वनाथ। इस जगह पे भगवान शंकर ने, ऐसा बताते हैं भगवान शंकर ने इस जगह पे गुप्तवास लिया था। जब द्वापर में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव लोगों के बीच में, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारा। पांडव कौरव एक ही गोत्र वंश के थे, उनके ऊपर भाई हत्या, गोत्र हत्या इत्यादि का पाप लग गया था। पाप प्रायश्चित करने के लिए पांडव लोग अपने गुरु वेदव्यास जी के पास गए कि हमारे ऊपर पाप लग गया, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताओ। तो उनके गुरु वेदव्यास जी ने कहा हिमालय तो केदार, हिमालय में जाओ, वहाँ पे केदार नाम का एक स्थान है, वहाँ पे भगवान शंकर तपस्या में विराजमान रहते हैं। यदि भगवान शंकर आपको दर्शन देते हैं तो आप सारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। शंकर भगवान के दर्शन के लिए पांडव लोग जो है कुरुक्षेत्र से इस जगह पे आते हैं। भगवान शंकर इस जगह पे तपस्या में बैठे हुए रहते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि पांडव लोग मेरे दर्शन के लिए यहाँ पर आ गए हैं। शंकर भगवान सोचते हैं कि यदि अगर मैं पांडवों को दर्शन देता हूँ तो आने वाला समय या भाई भाई को मारेगा, गुरु गुरु को मारेगा और मेरे दर्शन पालेंगे, तो इसलिए जो है शंकर भगवान उनको दर्शन नहीं देना चाहते हैं। शंकर भगवान इस जगह पे गुप्त हो जाते हैं, इसलिए जो है जो ही शंकर भगवान इस जगह पे गुप्त होते हैं तब से इसका नाम गुप्त काशी के नाम से
जाना जाता है। पहले इस स्थान का नाम मांडी नाम से जाना जाता था। जब भगवान शंकर यहाँ पे गुप्त हो जाते हैं तो गुप्त जो है भगवान शंकर गुप्त हो जाते हैं तो ये गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होता है। जो ही गुप्त वासिल्या है लेते हैं भगवान शंकर तो इस जगह पे स्वयंभू लिंग उत्पन्न हो जाता है। लिंग के दाएं और बाएं भाग से ये गंगा और यमुना धारा है। ये उधर साइड से जो आ रही है वो गंगा जी है और ये इधर साइड से जो यमुना जी है। इसमें दोनों में टेस्ट भी अलग अलग है गंगा और यमुना का। पांडव लोगों ने तब जो है पांडव लोग जो है माँ पार्वती से कई सालों तक तपस्या करते हैं। माँ का दिल थोड़ा कोमल होता ही है। माँ पार्वती पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। तो वो छोटा वाला मंदिर है अर्धनारी का, आधा नारी आधा भगवान शंकर। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन मिलता है। कहते हैं कि अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन मिल के कि पहले गुप्त पाप जो अनजाने में जो पाप होता है उसका निवारण करो। तो उसका निवारण करने के लिए पांडव लोग इस स्थान में गंगा यमुना में स्नान करते हैं। तो ये गुप्त काशी में गुप्त दान, ये नारियल के अंदर गुप्त रूप से दान किया जाता है। सबसे पहले पांडव लोगों ने इस जगह पे गुप्त दान किया था और अपने पितृ मोक्ष के लिए ये गंगा यमुना का जल देते हैं। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। मंदिर दर्शन के बाद हम लोग आपको लेकर चलते हैं गुप्त काशी के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह पे, जहाँ पे हम लोग रुके थे अपने सफर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल है, मंदिर से 10 मिनट दूर है। अगर आप लोग केदारनाथ साइड भी आ रहे हैं तब भी आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं गुप्त काशी में बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है द विलेज रिट्रीट रिजोर्ट। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, आवाज तो सुन ही सकते होंगे कि कैसे बारिश हो रही है। तो बारिश तो रुक नहीं रही है और फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी से ही नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को मंदिर दर्शन अच्छे लगे होंगे। इस जीवन काल में हम सबको रेकमेंड करते हैं कि अपना समय निकालकर ऐसे धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए, इनका बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व भी होता है। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और महादेव आप सभी पे इतनी कृपा बनाए रखें। जल्द ही लौटेंगे एक और नए एडवेंचर और एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।